मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपने कथित बयानों पर माफी मांग ली है, इसके बावजूद बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। लगातार विपक्ष उनको घेरने में लगे हुए कह रहे हैं, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया है, सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो गया है, उनको मेडिकल जांच करने की आवश्यकता है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों पर निशाना साधा और कहा कि इन दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए, अब बिहार में सरकार में बने रहने का इनका उचित नहीं है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए सेक्स ज्ञान की बात कर रहे हैं, यह भी शर्मनाक है। आगे उन्होंने क्या कहा सुनिए। आज बिहार के अंदर कल जो घटना घटित माननीय मुख्यमंत्री का सदन में जो वक्तव्य आया है, महिलाओं को कहीं ना कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ये माँ जानकी की शक्ति की भूमि है और हमारी माँ बहनों को इस तरह से सदन के अंदर शर्मसार करना जो पूरा देश देखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं उस पद के योग्य नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की याददाश्त कमज़ोर पड़ गई है, मेंटल तौर पर कहीं ना कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इनके द्वारा कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स और कुछ भ्रष्ट लोग मिलकर के गलत बिहार के साथ गलत खेल खेला जा रहा है, इसलिए इनका मेडिकल जाँच पहले हो और इस्तीफा देना चाहिए। ये सदन में अब बैठने योग्य नहीं रहे हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी कत्ल करके माफ़ी मांगना, ये आपके फितरत में हो सकता है। आपका उप मुख्यमंत्री जिसको उत्तराधिकारी बनाया उस सेक्स ज्ञान की बात कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति चारित्रिक रूप से कहीं योग्य नहीं लग रहे हैं जो सदन की और बिहार की गरिमा बढ़ाएं। और बिहार की जनता हमारी माँ बहन का जो आक्रोश है प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है, उस आक्रोश से सदन को ही अवगत नहीं कराना, इन दोनों को पद के योग्य नहीं मानते हुए पूरी तरह से इस्तीफा की मांग पर अड़े हुए हैं। सीएम ने कहा है कि अगर ये बार बार इस तरह का वक्तव्य ये सदन में हुआ, हमने चुप रहा, फिर जाकर के विधान परिषद में यही बात को दोहराना दो घंटे के बाद, ये क्या कहता है? जवाब तो देना पड़ेगा। और जब हम पद के योग्य नहीं है तो पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एजुकेशन स्कूल में पढ़ाया जाता है। तेजस्वी यादव के बारे में पूरा बिहार और देश जानता है, सेक्स ज्ञान बिहार को नहीं चाहिए। सेक्स ज्ञान अगर जो दिल्ली के और इंग्लैंड के अंदर लेना है, लेकिन बिहार सांस्कृतिक भूमि रही है, बिहार हमारे महापुरुषों का ज्ञान विज्ञान की भूमि रही है, यहाँ के लोग आज भी एक मर्यादा का पालन करते हुए सामाजिक समरसता की बात करते हैं, लेकिन ये बिहार को बार बार बड़े भाई लालू यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार ये दोनों व्यक्ति बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। हर बिहारी इन दोनों के नाम से शर्म महसूस करता है, इसलिए दोनों व्यक्ति को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। सर, माफी से काम नहीं चलेगा? ये आपको आपको गाली दे दें, मार बैठे, कत्ल कर दे और माफी मांग लें? जब हमारा मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, याददाश्त ठीक नहीं है, सबसे बड़ी है कि हमारी नारी शक्ति पर प्रहार किया उन्होंने, संवैधानिक पद का सम्मान नहीं करेंगे, सामाजिक मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह का कारनामा को कतई स्वीकार नहीं करेगा सदन।